देखेंगे जो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से फैक्टर हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज करेंगे। तो पहला है एरोमेटिसिटी। अगर हमारा कंपाउंड या हम जो स्पेसीज ले रहे हैं वो एरोमेटिक हो तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पर वो अगर एंटी एरोमेटिक हो तो हमारे एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी। याद रखिए, एरोमेटिक हो तो बढ़ेगी, अगर एंटी एरोमेटिक हो तो डिक्रीज हो जाएगी। उसके साथ साथ स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस। तो हमने जैसे कि अब कॉन्जुगेटेड एसिड बेस देखा ही है, तो याद रखिए अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हमारी एसिड स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पर अगर कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी कम हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ भी कम हो रही है। अब कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। अब वो कैसे? अगर हमारा कॉन्जुगेटेड बेस एरोमेटिक होगा तो ऑब्वियसली एसिड में आएगा, उसके बाद उस पे जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा होगा, तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्जुगेटेड बेस माइनस आर इफेक्ट से स्टेबल भी होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। इंडक्टिव इफेक्ट अगर माइनस आई लग रहा होगा तो भी हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ साथ जो सब्सटिट्यूएंट है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी तो भी हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो याद रखिए, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट या इलेक्ट्रोनिगेटिव इफेक्ट, ये सब हमारे कॉन्जुगेटेड बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ाने का या फिर कम करने का काम करते हैं। तो याद रखिए, कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब आगे देखिए रेजोनेंस इफेक्ट। हमारे पास दो प्रकार के रेजोनेंस होते हैं या फिर हमारे पास टू टाइप के रेजोनेंस है, माइनस आर और प्लस आर। अगर हमारा कंपाउंड या फिर हमारा सब्स्टिट्यूएंट माइनस आर इफेक्ट दे रहा हो तो हमारे वो जो हमारी स्टेबिलिटी है कॉन्जुगेटेड बेस की वो इंक्रीज करेगा, मतलब हमारे एसिड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। याद रखिए, रेजोनेंस इफेक्ट माइनस आर हो तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अगर रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर हो तो हमारे जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और हमारे एसिड की स्ट्रेंथ भी कम होगी। अब आगे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट। अब जो सब्सटिट्यूएंट माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं वो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, मतलब हम हमारे जो कॉन्जुगेटेड बेस है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, पर अगर वो प्लस आई इफेक्ट दे रहे होंगे तो ऑब्वियसली वो हमारे कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो हमारे एसिड के स्ट्रेंथ को भी कम कर रहे हैं। उसके साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली हमारे एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो हमारे एसिड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है।